ये एक प्रश्न है, एफ 2.01 का सन्निकट मान ज्ञात करना है जबकि एफ एक्स का मान 4x² + 5x + 2 है। तो हमें यहाँ पर 2.01 जो है उसको 2 + 0.01 या 2 + 0.01 लिखना है। तो एफ एक्स का मान दिया है तो एफ के पहले टुकड़े ही कर लेते हैं। चलिए एफ एक्स F2.01 का मतलब हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 + 0.01। एफ एक्स इसको वाई मान लेंगे, माना वाई बराबर एफ एक्स, और एफ एक्स का मतलब है 4x² + 5x + 2। तो y प्लस डेल्टा वाई क्या होना चाहिए, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये होना चाहिए, हम यही से लिख दें लेते हैं, माना x का मतलब ये और y का मतलब ये। चलिए यही लिख देते हैं, f 2 + 0.01, जहां लिख देंगे आगे, जहां x बराबर 2 और डेल्टा x का मान है 0.01। तो जाहिर सी बात है कि डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y निकालना तो हमारा ये मान आ जाएगा, अर्थात y प्लस डेल्टा वाई जो आएगा वही हमारा एफ 2.01 होगा। इसे हम समीकरण एक बनाएंगे। अब हम dy ओवर dx निकालेंगे, dy ओवर dx बराबर ये y दिया हुआ है यानी एफ डैश एक्स निकालना है, और ये हो जाएगा 8x + 5। तो dy ओवर dx एट द पॉइंट x का जो मान है x = 2, इसका मतलब f डैश 2 का मान निकालना है, 8 × 2 + 5, मतलब यही हुआ कि dy ओवर dx जो आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, 16 × 5 = 21 है। अब हम उठा करके डेल्टा y निकालेंगे, चलिए डेल्टा वाई करते हैं इसको, डेल्टा वाई बराबर डेल्टा एक्स गुणा डी वाई ओवर डी एक्स एट द पॉइंट एक्स बराबर 2, और इसको हम लिख भी लेते हैं 0.01 हमारा डेल्टा एक्स का मान है, और इसका मान हम 21 यहाँ से ले आते हैं, गुणा करके हम देखेंगे डेल्टा वाई का मान कितना आता है, तो 0.21 आएगा, ये हमारा डेल्टा वाई यहाँ से आ गया है। वाई का मान हम इसी में वाई का मान एफ ऑफ 2 से लेंगे, तो ये 4 × 2 + 5 × 2 + 2 कुल मिला करके 2 × 4 = 16, 10 = 26 और 2 = 28, ये आ गया 28, यानी y का मान ये आ गया। तो y तथा डेल्टा y के मान समीकरण एक में रखने पर y तथा डेल्टा y के मान समीकरण एक में रखने पर तो सीधी सी बात है, एक रख लेते हैं, ये हमारा आएगा y का मान 28, तो y प्लस डेल्टा y बराबर 28 + 0.21, मतलब 28.21
ये हमारा मान आएगा y प्लस डेल्टा वाई, और वास्तव में y प्लस डेल्टा वाई ही हमारा 2.01 है। f ऑफ 2.01 का मान ये आया है।